तुम्हारी योजना सफल रही पुरु। अलेक्जेंडर की सेना अपने राजा की मृत्यु के पश्चात उन्हें तक्षशिला की ओर भाग रही है। अलेक्जेंडर समाप्त हुआ है, पर यह युद्ध नहीं। दसुओं ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा, किंतु अब तक बहुत सारे दस्युओं का कोई चिन्ह नहीं, ना ही दस्युराज और दस्युरानी का। निश्चिंत ही अलेक्जेंडर ने उन्हें तक्षशिला में बंदी बना के रखा होगा, इसलिए उन्हें मुक्त करवाने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। वो देखो, वहां कोई है। आक्रमण! इतना कोलाहल, लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया। प्रूफ ही होगा। पुरु में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज, मुझे विश्वास था कि आप देशद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। किंतु महारानी कहाँ है महाराज? तुम्हारे मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उनका अंतिम संस्कार अवश्य होगा महाराज, किंतु उनके शव को कहां रखा गया है? वो यहां से दूर नहीं है पुरु। लेटेस्ट कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उसके शव की निगरानी कर रहा है, क्योंकि सारी सेना अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए निकल चुकी है। क्या अलेक्जेंडर अपने साथ अपनी सारी सेना ले गया? हाँ, यहाँ पे केवल क्लीटिस और 100 से 200 सैनिक हो। यदि अलेक्जेंडर अपनी सारी सेना को यहां से ले गया तो सेतु नष्ट होने के पश्चात यहां कोई लौटा क्यों नहीं? अलेक्जेंडर ने मेरे साथ वही खेल खेला जो मैंने उसके साथ तक्षशिला में खेला था। इसका अर्थ है कि अलेक्जेंडर अभी जीवित है, पर कहां? पोरस तो हमें पुल पर ही मारने की कोशिश करेगा, फिर हम उसकी छावनी तक कैसे पहुंचे? इस मुश्किल का हल भी है मेरे पास सेबेस्टियन। हम अपनी पूरी ताकत के साथ पुल पर से जाएंगे और पोरस की अगली चाल का इंतजार करेंगे। हमें
वक्त आने पर मेरे हमशक्ल को, जो मैसेडोनिया के सिपाहियों के हुजूम में छिपा होगा, हम बाहर लाएंगे। उसके बाद दूसरी कश्ती पर चढ़कर हम पुल से दूर हो जाएंगे। कोई हादसा होता है तो मेरा हमशक्ल मारा जाएगा। तीर से दो शिकार किए आपने, उन दस्यु को कैद में रखा क्योंकि आप जानते थे पोरस पुल को तबाह करके खुद तक्षशिला जाकर अपने दस्यु साथियों को जरूर बचाएगा। हाँ फेस्टियन, पोरस मेरे बिछाए हुए जाल में ठीक उसी तरह से फंसा जैसा मैंने सोचा था। आज अपनी झूठी जीत का जितना जश्न मनाना है मना लो पोरस, पर कल जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। आप स्वयं देख सकती हैं, राजमाता अनुसुया आपके काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। और निश्चिंत ही आप कुरु के विषय में सोच रही होंगी, तो जान ले कि वो भी सुरक्षित ही है। हिरन कब तक बचेगा? आखिर उसे शेर के जबड़ों में आना ही पड़ेगा। मेरा बेटा खुद आएगा यहाँ और तुम्हारे सामने और इसको खत्म कर देगा। तुम्हें मैंने पहले ही चेताया था कि किसी और के पुत्र की मृत्यु की कामना करने से अच्छा ये होगा कि अपने पुत्र के जीवन की प्रार्थना करो। काश तुमने मेरी बात मानी होती, काश तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हारे पुत्र को मिला होता तो वो आज जीवित होता। मेरे पुत्र पुरु ने तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर का वध कर दिया है। वो झेलम पार करने से पहले अग्नि द्वार पार न कर पाया, भस्म कर दिया है मेरे पुत्र ने उसे। नामुमकिन, ज्यूस का बेटा एक इंसान के हाथों नहीं मर सकता, अलेक्जेंडर नहीं मर सकता। वो आएगा, मेरा बेटा मेरे लिए जरूर आएगा।
आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा हो, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। मुझे पता था अलेक्जेंडर, तुम मर नहीं सकते। तुम देवता ज़ियूस के बेटे हो। हमें इन भारतीयों को सबक सिखाना होगा। तुम जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ अलेक्जेंडर। आपका बेटा आ गया है मां। मेरे पास एक योजना है। राजमाता को संदेश भेजो कि सेना को उत्तर पश्चिम में भेजे, तो यहां से 10 कोस दूर है। सिंध की सेना को भी हमसे वही मिलने का संदेश भेजो। हम अलेक्जेंडर को उसी ओर लेकर जाएंगे। पर महाराज, अलेक्जेंडर वहां क्यों जाएगा? पिताश्री लेकर जाएंगे। उन्हें संदेश भेजो, जब तक मैं उस उत्तर पश्चिम स्थान पर पहुंचूं, उन्हें वहां पहुंचकर कुछ तैयारियां करनी है, ताकि अलेक्जेंडर महल की ओर नहीं मेरे पीछे आए। अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी है, अब हमारी बारी है। मैं यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। ध्यान से, एक भी स्थान न छूट पाए। हमें इस पूरी घाटी को ढकना है, जिससे अलेक्जेंडर की अधिक से अधिक सेना इसमें गिरकर काल का ग्रास बन जाए। एक संदेश है पौरव श्रेष्ठ, महाराज पुरुषोत्तम की सिंध सेना से भेंट हो चुकी है और अब वो उत्तर पश्चिम घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम है। अब हमें अलेक्जेंडर की सेना की प्रतीक्षा करनी है, ताकि हमारी योजना पूर्ण हो सके। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो विश्वफलस? हम यहां रुक नहीं सकते विश्वफलस। इस मार्ग में आपको सावधान रहना होगा शाह अलेक्जेंडर, क्योंकि इस मार्ग में एक गहरी घाटी है जो बहुत निकट से भी दिखाई नहीं देती। जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर, लेकिन वो यहां से 10 कोस की दूरी पर है। 10 कोस तो क्या, इस जंग में फतेह पाने के लिए मैं 1000 कोस भी जा सकता हूं। तुमने एक बार अपनी मृत्यु का स्वांग रचा अलेक्जेंडर, क्योंकि अब तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो।